में जुआ खेला गया। कौरव और पांडवों के बीच में जुआ खेलने के बाद पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए। घर, जमीन, जायदाद, हीरे जवाहरात सब कुछ हार गए। अंतिम बाजी लगाई, अंतिम बाजी में किसको लगा दिया? मां द्रौपदी को लगा दिया। मां द्रौपदी को भी हार गए। अब मां द्रौपदी को हारे, भरी सभा के अंदर ऐलान किया गया कि जाओ द्रौपदी को भरी सभा के अंदर लेकर के आओ। अभी संतरी दरवाजे तक ही पहुंचा था, पीछे से फिर आवाज आई कि संतरी तुझे पता है द्रौपदी को भरी सभा के अंदर कैसे लेकर के आना? अब संतरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। संतरी ने कहा, जी महाराज मुझे पता है वो माँ है, बड़े अदब से बड़ी इज्जत से उसे अंदर लेकर के आना। कहने लगा, नहीं यही तो तुम्हें पता नहीं कि उसे अंदर कैसे लेकर के आना है, बालों से पकड़ो और घसीट घसीट करके दरबार के अंदर लेकर के आओ, इन पांडवों को पता चले कि इज्जत क्या होती है, उस कृष्ण को पता चले कि इज्जत क्या होती है, आओ आदेश के अनुसार प्रेमियों। ऐसा ही हुआ, मां द्रौपदी को बालों से पकड़ा और घसीट घसीट करके दरबार में लाया गया। अब मां द्रौपदी लाचार, किसी बात का कोई पता नहीं था मां द्रौपदी को कि क्या हो रहा है। अब द्रौपदी खड़ी है दरबार में, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। पांचों पांडवों की ओर देखा, सबकी निगाहें झुकी हुई। विषम पितामह जी की ओर देखा, सबकी निगाहें झुकी हुई, कोई भी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था। एक सहारा बचा था, आखिरी सहारा बचा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पुकारने लगी कृष्णा कृष्णा कह करके, विनती करने लगी, पुकारने लगी, विलाप करने लगी और क्या कहने लगी, सुनिए जरा, थोड़ा अप करो कीबोर्ड। वो मेरे कृष्णा तेरी कुदरत, तेरी आपे पर वाया हो, कोई वक्त दी ऐसी मैनू मारवे, पांडो जुए विच गए मैनू हारवे, लाज रख ले तू बंसी वालिया कीरी गऊ अज शेरा विच कारवे, लाज रख ले तू बंसी वालिया कीरी गऊ अज शेरा विच कारवे। कोई वक्त दी ऐसी मैनू लाचार खड़ी हूँ, आप कृष्णा कृष्णा कह करके पुकार रही कि अगर आज मेरी लाज बचाने के लिए तू नहीं आया ना, अगर आज मेरी लाज बचाने के लिए तू नहीं आया तो कल से तुझे कोई नहीं पूजेगा। अगर किसी दरबार में तेरी फोटो भी रखी होगी
अगर किसी कीर्तन में किसी जागरण के अंदर तेरी फोटो भी रखी होगी, सब यही कहेंगे कि इसके होते हुए, इस कृष्ण के होते हुए माँ द्रौपदी भरी सभा के अंदर हार गई। वहां पे लाज, यहाँ पे लाज मेरी लुटने वाली नहीं है। अगर मेरी लाज लुटेगी, वो लाज मेरी नहीं लुटेगी, वो लाज तेरी लुटेगी। कहने लगी, बारा तो मेनू फड़ के दुशासन विच सभा लाचार भरी सभा में रो रही है, कुरला रही है, अपनी किस्मत को कौन सा रही है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। बुला रही थी बार बार बाबा श्याम को, लेकिन अभी तक बाबा श्याम नहीं आए दरबार में। शुक्रिया, अभी तक बाबा श्याम नहीं आए दरबार में। मां द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था अंकल जी, और एक हाथ ऊपर उठा रखा था। बुला रही थी बार बार बाबा श्याम को, लेकिन बाबा श्याम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी को कुछ हद तक अपने आप पे भरोसा था कि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तभी तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था। जब उसे लगा कि अब मेरे बस की नहीं है, और जैसे उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए ना, जैसे अपने आप को ठाकुर को समर्पित किया, तब देखा कि खिड़की में से थोड़ा सा हवा का झोंका आया। प्रेमियों, अब उम्मीद नजर आ गई, उम्मीद की किरण नजर आ गई। कहने लगी, आगे है मेरी शाम, मेरी लाज बचाने के लिए आगे है मेरी कृष्णा, मेरी लाज बचाने के लिए। अब भरी सभा के अंदर कृष्ण महाराज, भरी सभा के अंदर आकर के शेर की तरह दहाड़े कि एक अबला नारी, एक मजबूर नारी, और इतने पापी देखने वाले, इसकी इज्जत जाते हुए तुम सब कैसे देख सकते हो? और ये पागल है द्रौपदी, ये पागल है द्रौपदी,
जो अभी तक मुझे कृष्णा कृष्णा कह करके पुकार रही थी, एक दफा मुझे भाई कहा होता, एक दफा मुझे भाई कहा होता तो तुम सबकी मजाल नहीं थी कि इसे पकड़कर तुम दरबार के अंदर भी ले आते। अंतिम लाइनों में क्या हुआ बड़े गौर से सुनो। जद गिरधर ने चटपटियाँ पधारे ने प्रेमियों ऐसी कृपा की पापी खिच खिच पल्ले हारे ने साड़ी मुक्की नहीं हो साड़ी मुक्की नहीं हो मुक्के हंकार ने साड़ी मुक्की नहीं हो मुक्के हंकार ने सब वेख वेख कर दे विचार ने आखे करमा सिकंदर प्रेमियो लाज द्रौपदी दी रखी कर तार ने आखे करमा सिकंदर प्रेमियो लाज द्रौपदी दी जब इंसान अपने आप को हरा देता है ना, जब इंसान अपने आप को हरा देता है, जब यहाँ पे आकर के अपने आप को समर्पित कर देता है, जब दोनों हाथों को उठा देता है ना, तब वो ठाकुर तब वो माँ शेरों वाली खुद आती है उसकी रक्षा करने के लिए।